एवरीवन नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पटवार एग्जाम 2021 के लिए आज से फ्रेंड्स कुछ ही दिनों का समय बचा है। और फ्रेंड्स, वे स्टूडेंट जो ग्राम सेवक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे, आपके पास मात्र 2 से 1.5 महीने का टाइम है। तो जल्दी से फ्रेंड्स, इसमें एक टर्निंग पॉइंट होने वाली सब्जेक्ट जो कंप्यूटर है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आप इस मॉडल पेपर के अंदर देखेंगे, उससे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट अब इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं और अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाला जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुँचे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि हम रोजाना लाइव 9 बजे हर दिन यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करना चाहता है कंप्यूटर विषय की, तो रोज़ रात 9 बजे लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर जो आउटपुट डिवाइसेज है, उन पूरे के पूरे आउटपुट डिवाइस को आज हम इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो के अंदर शुरुआत से एंड तक बने रहना, ताकि आपको एग्जाम में उचित हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है, ईमेल, प्रिंटर, फैक्स या सॉफ्टवेयर। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको ध्यान देना है। अगर बात हो रही है कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करने की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रिंटर एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। अगर फ्रेंड्स आपको बात की जाए फैक्स मशीन की, तो फैक्स मशीन फ्रेंड्स इनपुट व आउटपुट दोनों का उदाहरण होता है। ईमेल फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ईमेल फ्रेंड्स एक सॉफ्टवेयर रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है, प्रिंटर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंटर कंप्यूटर का एक वर्ड डिवाइस होता है जो यूजर के द्वारा बनाई गई सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान कौन करता है, प्रिंटर करता है। हम इसके अंदर फ्रेंड्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर के क्या क्या टाइप्स होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने इस क्वेश्चन का विश्लेषण और भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। तो सभी स्टूडेंट अगर इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप अपने कॉपी के अंदर सभी के सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप करेंगे, ताकि आपको पटवार और ग्राम सेवक वैकेंसी में आपको उचित फायदा मिल सके। आगे वाला फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन का विश्लेषण आपके सामने आ गया है, प्रिंटर। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, सभी को मालूम है। अब प्रिंटर के फ्रेंड्स 2 प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। लेकिन आपको याद रखना, यहाँ पे कई बार ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर, ये कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर फ्रेंड्स किसके उदाहरण माने जाएंगे, इम्पैक्ट के उदाहरण माने जाएंगे। यानी कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर लिखा हुआ है, ये किसकी श्रेणी में आते हैं, इम्पैक्ट की श्रेणी में आते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ इंक जेट है, थर्मल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, इंक जेट लिखा हुआ है, थर्मल लिखा हुआ है, लेजर लिखा हुआ है। यानी जो भी आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये फ्रेंड्स किसके उदाहरण है, नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण हैं। ऑल ओवर फ्रेंड्स आपको देखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में थोड़े क्या होते हैं, स्लो होते हैं, चाहे वो क्वालिटी की बात करें या फिर इसके अंदर स्पीड की बात करें। अब फ्रेंड्स नीचे भी आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर होता है फ्रेंड्स, इम्पैक्ट को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। इसके अंदर और भी 2 ऑप्शन होते हैं, जो आपको कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान देना है कि डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सीधे सीधे एग्जाम में अगर आपको इम्पैक्ट दिया जाए तो इम्पैक्ट सही करना है, लेकिन इम्पैक्ट के अंदर भी ये किसके उदाहरण माने जाते हैं, तो आप बोलेंगे कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण माने जाएंगे। नीचे फ्रेंड्स आपको देखना है लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़े ध्यान से देखेंगे, सैन प्रिंटर होता है,
ड्रम प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है। यानी ये जो हमने नीचे पढ़ा है अभी, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये सभी किसके उदाहरण हैं? इम्पैक्ट के उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक प्रिंटर का काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। ये अगर आप इनको नोट्स करना चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं। ये आपको पटवार और ग्राम सेवक वैकेंसी जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको एजिटिज देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट आप अपनी निगाह स्क्रीन के सामने रखेंगे। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार बना हुआ है एग्जाम में। शायद अब की बार जो एग्जाम होने वाला है ग्राम सेवक या पटवार, उसके अंदर भी इसका विशेष क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन देखे आ गया है, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर है जो टोनर का उपयोग करता है, तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन बना है काफ़ी महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें से आपको याद रखना है कि लेजर प्रिंटर होता है। कौन सा लेजर प्रिंटर जो दिया हुआ है, ये लेजर प्रिंटर फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है कि लेजर प्रिंटर, यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे ध्यान देंगे, दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के दृष्टि से थोड़ा ध्यान देंगे। ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कई बार सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बना है इसका, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बात हो रही है लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर को थोड़ा आप ध्यान में रखना कि लेजर प्रिंटर होता है, ये लेजर प्रिंटर किसका किसका उपयोग करता है। तो एक तो आपको नाम दिखने को मिल सकता है टोनर, एक तो किसका देखने को मिल सकता है टोनर का, और एक मतलब मिलता है आपको ब्लैक सूखा पाउडर। यानी आपको याद रखना है कि टोनर और ब्लैक पाउडर का जो इस्तेमाल करके जो प्रिंट को बाहर निकालता है वही प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर। आधुनिक टाइम में जहाँ पे भी ज़्यादा उच्च क्वालिटी और भी ज़्यादा मात्रा में यूज होने वाला जो प्रिंटर है हर जगह आप देखते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है, लेजर प्रिंटर का उपयोग होता है। डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये भी प्रिंट्स आपको याद रखना है, प्रिंटर के उदाहरण हैं लेकिन ये इम्पैक्ट की श्रेणी में आते हैं। और थर्मल ऐसा प्रिंटर है जो गर्म धातुओं का उपयोग करता है। यहाँ पे एक नाम याद रखना, थर्मल, थर्मल का कभी भी क्वेश्चन बनता है तो आप इतना याद रखना कि थर्मल एक ऐसा प्रिंटर है जो गर्म धातुओं का उपयोग करते हुए पेज को बाहर निकालता है। एटीएम से निकलने वाली स्लिप, शॉपिंग मॉल में जो आप शॉपिंग करते वक्त जो आपको स्लिप बाहर निकल के आती है इस मशीन से, उस मशीन के अंदर जो प्रिंटर फिट होता है वो फ्रेंड्स कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर। लेकिन यहाँ पे ऐसे बात हो रही है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो टोनर का उपयोग करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है लेजर प्रिंटर। क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की ये रही विश्लेषण, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लेजर प्रिंटर, तो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है कौन सा, लेजर प्रिंटर। थोड़ा ध्यान देना कि वर्तमान में सबसे लोकप्रिय प्रिंटर की बात करें तो कौन सा है, लेजर प्रिंटर। देखो फ्रेंड्स इसकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो उच्च होती है, यानी ये प्रिंटर होता है इसकी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए फ्रेंड्स ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें ड्राई इंक का इस्तेमाल होता है, एक याद रखना है कि लेजर में क्या होता है, ड्राई इंक का इस्तेमाल होता है, यानी सूखे पाउडर का इस्तेमाल होता है, ड्राई इंक का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो 300 से लगा के 700 dpi तक होती है, यानी कह सकते हैं कि इस प्रिंटर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। dpi प्रिंट्स प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है, इसी dpi का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच dpi का पूरा नाम होता है। तो इस लेजर प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो 300 से लगा के 700 dpi तक होती है, मीन्स कह सकते हैं कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। थर्मल प्रिंटर, बात करिए यहाँ पे थर्मल प्रिंटर, फ्रेंड्स मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने बन रहा हूँ उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं विश्लेषण वाइज समझा रहा हूँ, तो ये आप कह सकते हैं कि इससे बार मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन से संबंधित जो भी विश्लेषण है सारे के सारे आपको पेपर के अंदर करवा दिए है और करवाते रहे हैं।
प्रिंटिंग करते समय गर्म धातुओं का उपयोग करता है वह प्रिंटर कौन सा है? थर्मल प्रिंटर। अभी मैंने बोला था कि प्रिंटिंग करते वक्त गर्म धातुओं का जो उपयोग करता है वो कौन सा प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। एक प्रिंटर आपको याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट प्रिंटर होता है, इंक जेट प्रिंटर होता है वो क्या होता है? कागज पर स्याही की बूंदे, कागज पर स्याही होती है, इंक होती है, इंकों की बूंदों की बौछार कर टेक्स्ट या ग्राफिक्स को प्रिंट किए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो छोटे छोटे बूंदों के छिड़काव के द्वारा कागज के ऊपर ग्राफिक्स बनाते हैं, प्रिंट बनाते हैं, तो वो तो इंक जेट हो जाएगा। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो गर्म धातुओं का उपयोग करता है, तो वहाँ पे आप थर्मल प्रिंटर बोलेंगे। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो टोनर और ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करता है, तो आप बोलेंगे लेजर प्रिंटर। यानी जो आपके सामने दे रखे हैं लेजर, थर्मल, इंक जेट, ये सभी के सभी किस प्रिंटर के उदाहरण है? तो आप याद रखना, ये सभी के सभी किसके उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट के उदाहरण है। ये सभी के सभी जो आपके सामने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ये प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। उसमें से ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। कौन कौन से? लेजर, थर्मल प्रिंटर और कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपकी समस्या का अवश्य रूप से समाधान किया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि जितने भी वीडियोज होते हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा संपूर्ण ग्राम सेवक और पटवारी के लिए जो भी कंप्यूटर का सिलेबस है पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर आपको संध्या कंप्यूटर के द्वारा करवाया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बोल दिया कि आज इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस, बाकी की बात करनी नहीं है। आउटपुट डिवाइस के बारे में ही हमें एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस से आप ये पटवार या ग्राम सेवक में एक आध क्वेश्चन अवश्य रूप से बनेगा, ज़्यादा बनेगा लेकिन कम नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाएगा। अब फ्रेंड्स मेरे ध्यान देना आपको DPI का पूरा नाम, तो DPI होता है, DPI के फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे DPI एक ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है, DPI एक ऐसा विकल्प है जो क्या करता है, ये क्या करता है, प्रिंटर के फ्रेंड्स क्या करता है, यहाँ पे प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, प्रिंटर की क्या होती है? क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को मापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? DPI कहा जाता है। यानी यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि DPI का पूरा नाम क्या है। मैं आपको बोल देता हूँ, कल हमने पढ़ाया था इनपुट डिवाइस, आज पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस। यानी ये वीडियो देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे जो भी यहाँ पे बनने लायक क्वेश्चन है उन सभी का विश्लेषण वार मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, DPI का पूरा नाम पूछा जा रहा है, DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच, या फिर आप कह सकते हैं डॉट प्रति इंच, यानी अपने ऊपर डिपेंड है, आप किसी भी तरह से इसको पहचान सकते हैं। आपको याद रखना है, इंग्लिश में डॉट पर इंच हो जाएगा, हिंदी में डॉट प्रति इंच हो जाएगा, मींस यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इस टॉपिक का विश्लेषण आप देख लीजिए, यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके लिए बन सकता है ये क्वेश्चन। DPI का फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, DPI लिखा हुआ, DPI का पूरा नाम क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। और प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, प्रिंटर की जो प्रिंटिंग करने की जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी किस में मापी जाती है? DPI में मापी जाती है। जबकि अगर पूछा जाए कभी आपको कि क्वालिटी को छोड़ के अगर ये पूछा जाता है कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, यानी प्रिंटर की जो गति होती है, स्पीड गति की बात करता है, तो वहाँ पे आप DPI नहीं करेंगे, गति की बात करता है तो वहाँ पे आप करेंगे PPM। और इसी PPM का पूरा नाम होता है पेज पर मिनट। क्या होता है? पेज पर मिनट इस प्रिंटर के अंदर जो स्पीड होती है, उस स्पीड को मापने वाली इकाई होती है, वो कहलाती है पेज पर मिनट, यानी PPM। जबकि क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है, वो होती है DPI, जिसका पूरा नाम होता है डॉट पर इंच होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं संपूर्ण आउटपुट डिवाइस को। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो पीछे रहेगा, क्योंकि सारे के सारे बनने लायक जो क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस से संबंधित, वो सभी के सभी क्वेश्चन का इसमें हमने विश्लेषण किया है। हालांकि फ्रेंड्स क्वेश्चन भले इस वीडियोज के अंदर कम है, लेकिन उन वीडियोज के अंदर जो भी बनने वाले थे सारे के सारे हमने इसके टॉपिक के अंदर विश्लेषण द्वारा आपको समझाया गया है। मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाता है, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉनिटर का रेजुलेशन मापने वाली इकाई कौन सी है,
डॉट पिच, पिक्सल, PPM या DPI। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है मॉनिटर की किसकी बात हो रही है, थोड़ा ध्यान देना मॉनिटर के अंदर क्या पूछा जा रहा है, मॉनिटर की रेजुलेशन मापने वाली इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये याद रखना कि मॉनिटर की रेजुलेशन जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, पिक्सल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, पिक्सल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ पिक्सल। तो मॉनिटर की रेजुलेशन कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोलेंगे मॉनिटर का रेजुलेशन पिक्सल में मापा जाता है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है PPM। तो PPM क्या होता है, ये तो प्रिंटर की स्पीड मापने वाली इकाई है, यानी स्पीड भी किसकी, स्पीड ये किसकी मापता है, प्रिंटर की स्पीड मापता है। तो ये मैंने अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन में करवा दिया है PPM का। DPI, तो DPI फ्रेंड्स प्रिंटर की क्या मापता है, क्वालिटी मापता है। DPI से आपको याद रखना है प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है और DPI होती है। और डॉट पिच आपको याद रखना है कि जो भी रेजुलेशन होता है उनके बीच में जो जगह रहती है उनको फ्रेंड्स आप डॉट पिच कहते हैं। ये आगे हम विश्लेषण बार पढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिक्सल हो जाएगा, और ये रहा इस क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, बात हो रही है पिक्सल की, यानी पिक्सल होता है ये मॉनिटर की रेजुलेशन मापने वाली इकाई होती है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा, बात हो रही है मॉनिटर की। अब ये आपको याद रखना ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। पहली बात आपको याद रखना मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, तो आप बोलेंगे आउटपुट डिवाइस है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, जो मॉनिटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है CRT और एक होता है फ्लैट पैनल। थोड़ा ध्यान देना, एक तो होता है CRT और एक होता है फ्लैट पैनल। अब सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि CRT का पूरा नाम बताइए। CRT मॉनिटर का प्रकार तो है, लेकिन कई बार सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि CRT का पूरा नाम, तो CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। यानी एक तो होता है प्रिंटर, एक तो होता है मॉनिटर के अंदर प्रकार में CRT, जबकि दूसरे का नाम दिया हुआ है फ्लैट पैनल। तो फ्लैट पैनल होता है, फ्लैट पैनल दो तरह के मॉनिटर यहाँ पे समाहित होते हैं, एक का नाम है LED और एक का नाम है LCD। यानी ऐसे देखेंगे तो आप तीन ऐसे बोल सकते हैं CRT, LED और LCD, लेकिन LED और LCD होती है वो फ्लैट पैनल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि LED का पूरा नाम क्या है, तो LED का पूरा नाम होता है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, LCD का पूरा नाम होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी तो आपको याद रखना ही है क्योंकि आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन और भी आगे बहुत सारे हैं, आप एंड तक जुड़े रहना ताकि आपको कोई डाउट यहाँ पे ना रहे। अब बात यहाँ पे कर रहे हैं और भी इसके एडवांस से संबंधित, जिसमें बोल रहे हैं पिक्सल। तो पिक्सल इसी के बारे में तो ये क्वेश्चन है कि मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है, तो यहाँ पे बात हो रही है पिक्सल की। तो ये याद रखना है कि ये पिक्सल की सबसे छोटी इकाई होती है। पहली बात तो आपको याद रखना है पिक्सल मॉनिटर की रेजुलेशन मापने वाली इकाई तो होती है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ये पिक्सल की सबसे छोटी इकाई होती है। पिक्सल की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात ये भी अगर आ गई तो ये भी याद रखना है कि रेजुलेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि रेजुलेशन क्या होता है, तो पिक्सल के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, रेजुलेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से सारा का सारा यहाँ पे टॉपिक आपको क्लियर करवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं समझेगी कि ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। संपूर्ण जो पटवार और ग्राम सेवक का जो सिलेबस बनने वाला है वो इस वीडियोज़ के अंदर आपको पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है, तो कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को मिस नहीं करेगा, शुरुआत से लगा के एंड तक देखेगा ताकि आपको अब की बार पटवार या ग्राम सेवक में कंप्यूटर के अंदर अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स बाकी सब्जेक्ट आप खुद भी पढ़ के तैयार कर सकते हैं, बाकी कंप्यूटर एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाना बहुत अनिवार्य होता है, और उसी आपकी कमी को पूरा करेगा संध्या कंप्यूटर क्लासेज। क्योंकि ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाया जाएगा। रेजुलेशन, तो रेजुलेशन पिक्सल के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, रेजुलेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं जो जो बोल रहा हूँ ये थोड़ा आप इंपोर्टेंट माइंड में फिट करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ही ना देखे जो आपको नहीं आता हो। अब बात यहाँ पे पीछे रह गए डॉट पिच की, तो डॉट पिच किसको कहा जाता है, तो दो जो पिक्सल होते हैं, दो पिक्सलों के मध्य की जो दूरी होती है, दो पिक्सलों के मध्य की जो दूरी होती है इसी दूरी को कहा जाता है डॉट पिच। यानी ये आपके सामने पूरा का पूरा विश्लेषण है कि डॉट पिच होता है, आपको याद रखना है कि डॉट पिच होता है, तो डॉट पिच दो पिक्सलों के मध्य की जो दूरी होती है उसी को कहा जाता है डॉट पिच। तो ये रहा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण। आप इस क्वेश्चन को देख के इन सारे के सारे पॉइंट को अपने बुक्स के अंदर नोट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ अगर आपके एग्जाम में आपके बन जाए क्वेश्चन तो आप सभी विद्यार्थियों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे।
इस टॉपिक के अंदर मैंने आप पहले ही बोल दिया, इस टॉपिक का नाम ही क्या है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस। यानी ओनली फॉर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे। कल हमने इनपुट पढ़ा, उससे पहले कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ा, उसके अलावा और भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइस। यानी आउटपुट डिवाइस से जो भी बनने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको इस माध्यम से करवा रहा हूँ। कल फ्रेंड्स पढ़ेंगे वीडियो के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट को, यानी मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो उसको भी हम कल वीडियोस के द्वारा समझेंगे। सभी स्टूडेंट रोजाना रात 9 बजे का इंतजार करेंगे, उस रोजाना रात 9 बजे वाली क्लास में आपको ये सारे के सारे विस्तार से ये वीडियो शो करवाए जाएंगे। LED का पूरा नाम, अभी फ्रेंड्स मैंने बोला था कि LED होती है, इस LED का पूरा नाम जो होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये नीचे एक लिखा हुआ लाइट एमिटिंग डायोड, नीचे फ्रेंड्स लिखा हुआ लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये लाइट एमिटिंग डायोड ये तो किसका पूरा नाम है? LED का पूरा नाम है। किसका पूरा नाम है? LED का। जबकि यहाँ पे पूछा रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बात हो रही है LED की। और फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है कि LED का पूरा नाम होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये वाला इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ है, सी पे लिखा हुआ ऑप्शन है ये, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किसका पूरा नाम होता है? LCD का पूरा नाम होता है। यानी ये LCD और LED ये दोनों के दोनों किसके प्रकार है? LCD और LED ये दोनों किसके प्रकार है? तो मॉनिटर के प्रकार है। और मॉनिटर में भी कौन सा प्रकार है? तो आपको याद रखना फ्लैट पैनल मॉनिटर का प्रकार है। तो ये रेफरेंस इस क्वेश्चन का विश्लेषण सभी स्टूडेंट इस साइड ध्यान देंगे ताकि एग्जाम में आपको उचित हेल्प मिल सके। मॉनिटर फ्रेंड्स, मॉनिटर के अंदर बात हो रही है LED मॉनिटर। तो LED मॉनिटर वर्तमान में सबसे लोकप्रिय मॉनिटर माना जाता है, यानी सबसे उच्च क्वालिटी का सबसे लोकप्रिय मॉनिटर कौन सा माना जाता है? तो आप बोलेंगे वहाँ पे LED मॉनिटर को सबसे लोकप्रिय मॉनिटर कहा जाता है। अब LED मॉनिटर की बात हो रही है तो LED मॉनिटर क्या करता है? यहाँ पे आपको याद रखना है स्लाइटली कर्वर्ड डिस्प्ले होते हैं जो कि लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। नाम ही लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है, इसमें कोई भी वहाँ पे बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है LCD का पूरा नाम आपको याद रखना है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और इसी LCD की बात करें तो LCD मॉनिटर जो होता है उसमें स्क्रीन जो होती है उसमें मोनोक्रोम किसका इस्तेमाल होता है? मोनोक्रोम पिक्सल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मोनोक्रोम पिक्सल का उपयोग करते हैं। तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह कौन सा मॉनिटर का प्रकार है जिसमें मोनोक्रोम पिक्सल का उपयोग किया जाता है? तो वहां पे आप बोलेंगे LCD मॉनिटर। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इस डाउट को अभी कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, किस आउटपुट युक्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स अंडरलाइन कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस में बनने लायक है। किस आउटपुट युक्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है? यानी आपको याद रखना है किसी आउटपुट युक्ति में से ऐसी कौन सी आउटपुट युक्ति है जिसका उपयोग किसी छोटे डिस्प्ले को बड़े पैमाने में प्रदर्शन करवाना है? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे प्रोजेक्टर। क्या याद रखेंगे? प्रोजेक्टर यहाँ पे आप याद रखना, क्योंकि प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो छोटी डिस्प्ले को बड़े पर्दे के रूप में प्रदर्शन करवाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये जो भी आपके सामने दिए हुए सारे के सारे है तो कौन से डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ये सारे के सारे जो आपके सामने दे रखे ये कौन से डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन आउटपुट में भी ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका उपयोग आउटपुट युक्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है? तो वहां पे आप बोलेंगे प्रोजेक्टर। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टर। यहाँ पे आप इसका राइट आंसर करेंगे। फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, सभी स्टूडेंट ध्यान देना, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर फ्रेंड्स एक ओवरहेड प्रोजेक्टर डिवाइस होती है जो कि सॉफ्ट कॉपी, थोड़ा ध्यान देना, जो क्या करती है?
यहाँ पे प्रोजेक्टर क्या करता है कि सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में किसको देता है, आउटपुट देता है, यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में ये क्या करता है, आउटपुट प्रदान करवाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आउटपुट डिवाइस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कभी कभार प्रोजेक्टर के बारे में। तो एक भी क्वेश्चन में ऐसा पीछे नहीं रखना है जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है और वो हमें नहीं आता हो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, फैक्स मशीन, मीडी, मॉडेम या प्रोजेक्टर। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे बात हो रही है एक एनालॉग सिग्नल को किस में बात हो रही है, यहाँ पे डिजिटल में परिवर्तित करने की बात हो रही है। तो ये तो फ्रेंड्स कार्य कौन करता है, मॉडेम करता है। कौन करता है, मॉडेम करता है। और इसी मॉडेम का पूरा नाम अगर एग्जाम में पूछा जाता है, इसी मॉडेम का अगर पूछा पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोलेंगे वहाँ पे मॉड्यूलेटर, और एक यहाँ पे DEM का बोलेंगे डीमॉड्यूलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में अगर बने कि भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन द्वारा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम का पूरा नाम अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर मीडी की, तो मीडी फ्रेंड्स एक इनपुट डिवाइस होता है जो एक संगीत वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। ये फ्रेंड्स मीडी का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मीडी का पूरा नाम होता है। तो मेरे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेम। अब फ्रेंड्स ध्यान देना, ये रहा मॉडेम का विस्तारित यहाँ पे विश्लेषण, मॉडेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना मॉडेम होता है, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और ये उपकरण टेलीफोन लाइन पर प्राप्त, ये उपकरण क्या करता है, टेलीफोन लाइन पर प्राप्त जो एनालॉग संकेत होते हैं, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, उनको किस में बदलता है, डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। मॉडेम फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी होती है, उस कनेक्टिविटी में सबसे फास्ट जो कनेक्टिविटी होती है वो किसकी होती है, मॉडेम की होती है। किसकी होती है, मॉडेम की होती है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिप्लेस होती है। फ्रेंड्स अंडरलाइन कर दीजिए इस क्वेश्चन को, पिछली बार ये पटवार और पुलिस कॉन्स्टेबल में एजरिज बना था। अब आप भी हो जाओ तैयार क्योंकि आपके भी एग्जाम के लिए रहे हैं मात्र कुछ ही दिनों का समय। तो फ्रेंड्स अगर आप एंड टाइम तक इस प्लेटफॉर्म के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन बनेंगे कंप्यूटर के रिलेटेड पटवार और ग्राम सेवक में, एक भी क्वेश्चन इससे टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा जो हम करवा रहे हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिप्रेस होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हर सेकंड रिप्रेस होती रहती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर बनता है, अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो आप वहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एनी टाइम रिप्रेस होती रहती है, तो आप बोलेंगे डायनामिक रैम। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे डायनामिक रैम बोलेंगे। रैम का ही एक प्रकार होती है जिसका नाम होता है डायनामिक, और डायनामिक रैम फ्रेंड्स क्या होती है, ये एक ऐसी मेमोरी जो प्रति सेकेंड क्या होती है, रिप्रेस होती रहती है। क्या होती रहती है, रिप्रेस होती रहती है। अब डायनामिक रैम और जो स्टैटिक रैम जो लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों किसके प्रकार है, रैम के प्रकार है। जबकि EPROM और ROM ये लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स ROM के अंदर आते हैं। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हर सेकंड रिप्रेस होती रहती है, तो आपको याद रखना है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायनामिक रैम हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपको समझाया जा रहा है संपूर्ण इसका विश्लेषण। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिले और वो आपको नहीं आता हो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके सामने पीछे नहीं रखूंगा जो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम में रखे। यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर और इस विश्लेषण वाले क्लास में करवाया जा रहा है। रैम, तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, रैम की बात हो रही है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये एक अस्थिर प्रकृति की होती है। किसकी होती है, ये एक अस्थिर, ये नाम याद रख लेना कि रैम किस स्तर की होती है, तो अस्थिर प्रकृति की होती है।
ये तीन प्रकार की होती है। रैम के अंदर आपको याद रखना है तीन ऑप्शन दे रखेंगे यहाँ पे, एक तो होती है डायनामिक रैम जो एवरी टाइम रिप्रेस होती है, एक होता है एसडी रैम, एक होता है एसडी रैम और एक होती है स्टैटिक रैम। तो ये तो फ्रेंड्स काम करती है सीपीयू के लिए, ये तो फ्रेंड्स काम करती है सीपीयू के लिए, और ये काम ऐसी मेमोरी जो एवरी टाइम क्या करती है रिफ्रेश होती रहती है, क्या करती है रिफ्रेश होती रहती है। तो रिफ्रेश होने वाली मेमोरी कौन सी है जो एवरी टाइम होती है डायनामिक, और स्टैटिक रैम ऐसी है जो सीपीयू के लिए कार्य करती है। एसडी रैम, एसडी रैम का पूरा नाम होता है सिंक्रोनाउन डायनामिक, क्या होता है सिंक्रोनाउन डायनामिक रैंडम एक्सचेंज मेमोरी एसडी रैम का पूरा नाम होता है। और यहाँ पे ये याद रखना ऑप्शन कि जो स्टैटिक रैम होती है इस मेमोरी को रिप्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर आपको संपूर्ण विश्लेषण भी दिया गया है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए। जो स्टूडेंट अभी बाद में जुड़े हैं उनको भी संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे साथ रेगुलर बेस से आप जुड़े रहना और जितने भी वीडियोस हो उन सभी को देखना। मैं दावा करता हूँ कि एक भी वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको एग्जाम में वहाँ पर देखने को ही मिलेगा। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रजिस्टर या रोम। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को स्टोर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर, कैश मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैश मेमोरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैश मेमोरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी के बारे में और भी फ्रेंड्स विस्तार से पढ़ेंगे। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ाती है। बार बार उपयोग में आने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कैश मेमोरी के द्वारा परमानेंटली रूप से मतलब यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो मोस्ट यूज लिस्ट का एक सबसे बेस्ट उदाहरण हम कह सकते हैं। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं ताकि कैश मेमोरी आपकी पूरी तरह से यहाँ पे कवर हो जाएगी। कैश मेमोरी ये बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। कैश मेमोरी को फ्रेंड्स आप अंडरलाइन कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसका अवश्य बनेगा आपके एग्जाम में। ये क्या होती है, ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो क्या करती है सीपीयू और मुख्य मेमोरी, किसका सीपीयू और मुख्य मेमोरी क्या करती है गति बढ़ा देती है, गति बढ़ाने का कार्य करती है सीपीयू और मुख्य मेमोरी की। यहाँ डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। यानी तीनों के तीनों आप पॉइंट याद रख लीजिए कि ये एक सेमीकंडक्टर हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति भी बढ़ाती है। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को यहां रखा जाता है जो सीपीयू और सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल किया गया हो। इस टॉपिक का फ्रेंड्स सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अस्थिर होती है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है, लाइट रहने तक ही कार्य करती है। तो ये तो मेरे फ्रेंड सभी को आता है, आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर, रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, रैम। यहाँ पे रैम इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो अस्थिर की प्रकृति की होती है और इसी को फ्रेंड्स कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। यानी क्वेश्चन ये भी बने थोड़ा याद रखना, इसको क्या कहा जाता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल इसलिए कहा जाता है कि बिजली रहने तक ही कार्य करती है, बिजली जैसे ही चली जाती है तो संपूर्ण इसके अंदर जो काम हो रहा था वो सारा डिलीट हो जाता है। रैम के प्रकार भी होते हैं, हमने आगे आपको ऑलरेडी बता दिया है। रोम रैंडम एक्स रीड ऑनली मेमोरी होता है, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। ये फ्रेंड्स इस टॉपिक का संपूर्ण विश्लेषण, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। रैम, तो फ्रेंड्स रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये क्या होती है अस्थिर प्रकृति की होती है। ये क्या होती है अस्थिर प्रकृति की होती है। अब फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आपके लिए हम लेके आए थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंदर हम संपूर्ण सारे के सारे टॉपिक आपको बता दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप क्या लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये सारे के सारे आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। ये फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर का दावा है कि आपके पटवार एग्जाम तक
कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है वो संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाएगा। ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वो भी अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके ग्राम सेवक में दो एग्जाम होगा, एक तो होगा प्री होगा और दूसरा होगा मेन होगा। यानी अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो ऐसा नहीं होगी कंप्यूटर सब्जेक्ट की वजह से आप कहीं पीछे रह जाओ, तो आज से ही जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म के साथ में और रोजाना आप लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। हमारी रोजाना लाइव क्लास रात 9 बजे आती है, रात 9 बजे हम आपका इंतजार करेंगे, सभी स्टूडेंट यहाँ पे इस क्लास के लिए ज्वाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज हम इस वीडियोज के अंदर हमने पढ़ा है कंप्यूटर के अंदर जो आउटपुट डिवाइस होता है, कंप्यूटर के अंदर जो आउटपुट डिवाइस होता है उन सारे के सारे आउटपुट डिवाइस को हमने इसके माध्यम से कवर किया है। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, कंप्यूटर विषय को मजबूत धार देने के लिए रोजाना हम रात 9 बजे लाइव क्लास के अंदर मिलेंगे। तो अगर आप इसमें आप में से अगर कोई फ्रेंड्स नया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर ही आपको तैयारी ही करनी है तो फ्रेंड्स जी जान लगा के करिए, क्योंकि नॉर्मल तैयारी से सिलेक्शन होने वाला नहीं है और कंप्यूटर के ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें से अगर आपके 30 में से 25 से ऊपर सही करें तो आपके साइंस के लिए आपकी काफ़ी मेहनत यहाँ पे काबिले तारीफ होगी। और इसी आपकी समस्या को पूरा करने के लिए संध्या कंप्यूटर यहाँ पे रोजाना लाइव क्लास के अंदर आपको नए नए वीडियोस के माध्यम से पूरी तरह से कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी करवाएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और कल नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।